तस्वीर में नजर आ रही बच्ची का नाम है आस्था अरोरा। आस्था का जन्म 11 मई साल 2000 को दिल्ली में हुआ था। आस्था को आधिकारिक तौर पर भारत की 1 अरबवीं नागरिक करार दिया गया था और अब आस्था पूरे 23 साल की हो चुकी है। ये रही आस्था की मौजूदा तस्वीर। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ आस्था का जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि 11 मई साल 2000 को भारत की आबादी ने 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ था। मिलियंथ बेबी होने के कारण UN पॉपुलेशन फंड ने आस्था के नाम से 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराया। आस्था के पिता अशोक अरोड़ा नजफगढ़ में किराने की दुकान चलाते हैं और माँ अंजना अरोड़ा ब्यूटी पार्लर चलाती है। आस्था का सपना देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में सेवाएं देना है और अपने सपने को पूरा करने के लिए आस्था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रही है। 11 मई का एक और इतिहास है जिसने देश को वो ताकत दी जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बज उठा। साल 1998 जब भारत में राजनीतिक उठापटक चरम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने कामकाज संभाला ही। ऐसे में 11 और 13 मई के बीच सरकार ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई थी। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के पास कुल 5 परीक्षण किए गए। ये परीक्षण परमाणु परीक्षण, ये सब इतना गुपचुप तरीके से हुआ कि पूरी दुनिया के परमाणु संयंत्रों और सैन्य गतिविधियों पर सैटेलाइट से निगरानी रखने वाला देश अमेरिका भी भौचक्का रह गया। 1974 के बाद 11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो इजराइल को छोड़कर दुनिया के तमाम देश भारत के खिलाफ खड़े हुए। अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर तो आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिए थे, लेकिन भारत को जरा भी फर्क नहीं पड़ा और इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।